जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। मुझे पता है कि वीडियो थोड़ा सा लेट आ रहा है, और क्योंकि ये अपडेट बहुत बड़ा अपडेट तो नहीं था, सिक्योरिटी पैच का ही अपडेट था, इसीलिए मैं बहुत ही कम फीचर दिखाऊंगा। बट ये फीचर बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है, कुछ चेंजेस भी हुआ है इस अपडेट के बाद, तो मैं सारा कुछ दिखाऊंगा। कुछ सब्सक्राइबर्स ने मुझे बताया है कुछ फीचर, तो मैं उन लोगों का नाम भी बताऊंगा इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन सारा फीचर, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और उससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक भी कर दो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर दो। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले जो फीचर दिखाऊंगा वो गैलरी के अंदर होगा, और गैलरी के अंदर बहुत सारा मतलब नया फीचर आया है, जैसे गैलरी लैब के अंदर है। तो ये आपको गैलरी के सेटिंग्स के अंदर देखने को मिलेगा। सेटिंग्स के अंदर जाने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर देख सकते हो आप, मेरे यहाँ पर गैलरी लैब नाम से एक ऑप्शन है। तो ये आपके डिफॉल्ट में नहीं रहेगा, आपको इसको इनेबल करना पड़ेगा। इनेबल करने के लिए सिंपली आपको जाना होगा अबाउट गैलरी पर, और यहाँ पर जो वर्जन है इसके ऊपर 5-6 बार आपको टैप करना पड़ेगा, देन ये गैलरी लैब ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर गैलरी लैब ऑप्शन पर जाने के बाद आप देख सकते हो बहुत सारा मतलब ऑप्शन है इसके अंदर, और इस बार अपडेट के बाद यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन ऐड हुआ है, बट मैं कुछ ही ऑप्शन दिखाऊंगा जो बहुत ही यूजफुल होगा। तो यहाँ पर जो सबसे पहला ऑप्शन है ये है फुल स्क्रीन स्क्रोलिंग का। अगर ये ऑप्शन डिसेबल है तो आप यहाँ पर देख सकते हो, मैं अगर स्क्रोल करूँ गैलरी के अंदर तो कुछ ऐसा आपको देखने को मिलता है, ऊपर स्टेटस बार, नीचे जो ऑप्शन है कुछ भी हाइड नहीं होता। यहाँ पर गैलरी लैब ऑप्शन के अंदर जाने के बाद आपको सिंपली इसको इनेबल करना है, और इनेबल करने के बाद आपको होम बटन पर क्लिक करके गैलरी एप्लीकेशन को रिसेंट से रिमूव कर देना है। देन आपको फिर से गैलरी एप्लीकेशन को ओपन करना है, और उसके बाद अगर आप स्क्रॉल करोगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो ऊपर नेविगेशन बार या फिर ऊपर जो भी ऑप्शन है वो हाइड हो रहा है, और नीचे वाला जो नीचे गैलरी का जो ऑप्शन रहता है वो भी हाइड हो रहा है। तो ऐसे ही मतलब फुल स्क्रीन पर ये स्क्रोलिंग हो रहा है, और यहाँ पर आप डिफरेंस भी देख सकते हो फुल स्क्रीन पर कैसा देखने को मिलता है, और अगर फुल स्क्रीन ऑफ है तो कैसा देखने को मिलेगा। और गैलरी लैब के अंदर एक और बढ़िया ऑप्शन मिल जाता है आपको, और ये मुझे बताया है शोविक माझी ने। तो इस ऑप्शन को अगर आप इनेबल कर दोगे और वीडियो के अंदर जाओगे तो नीचे आप देख सकते हो यहाँ पर एक कैप्चर का ऑप्शन है जो आपको फोटो के अंदर मिलता है, लेकिन अभी ये वीडियो के अंदर भी आ चुका है, मतलब कोई भी फ्रेम पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और इस ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो स्क्रीनशॉट क्लिक हो जाएगा, लेकिन इस ऑप्शन का एक डिसएडवांटेज ये लगा कि अगर आपका एडवांस वीडियो प्लेयर जो होता है गैलरी लैब के अंदर ही है, ये अगर ऑन है उसके बाद अगर आप इस ऑप्शन को यूज़ करने जाओगे तो कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा, मतलब वीडियो प्लेयर का जो ऑप्शन है उसके साथ ये ओवरलैप कर रहा है, तो मतलब ये यूज़ करने में यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। तो यहाँ पर गैलरी के अंदर एक और ऑप्शन जो ऐड हुआ है वो है रीनेम का। इससे पहले आपको रीनेम करने के लिए कोई फोटो या फिर वीडियो के रीनेम करने के लिए आपको जाना पड़ता था फाइल मैनेजर के अंदर, लेकिन अभी आप गैलरी के अंदर ही ये कर सकते हो। इसके लिए सिंपली आपको उस फोटो या फिर वीडियो को ओपन करना है, देन ऊपर स्वाइप अप करना है जैसे आप डिटेल्स देखते हो, और नीचे एक एरो का ऑप्शन रहेगा इस पर क्लिक करना, देन ऊपर आप देख सकते हो एडिट का ऑप्शन है, ये इससे पहले नहीं था, इस बार अपडेट के बाद यह आया है। तो एडिट पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर टाइटल जो है इसको रीनेम कर सकते हो, और सेव पर क्लिक करने के बाद ये सेव भी हो जाता है। ऐसे ही आप वीडियो के अलावा फोटो में भी कर सकते हो। और हाँ, एक काम और आप कर सकते हो, नीचे अगर सब्सक्राइब बटन लाल दिख रहा है तो उसको दबाकर ग्रे कर दो। तो यहाँ पर अगला जो फीचर है, बेसिकली फीचर नहीं एक चेंजेस है, और ये मुझे बताया है आदित्य प्रसाद ने। इन्होंने बताया कि कोई फोटो को अगर आप मतलब जूम करते हो तो इससे पहले एक कैप्चर का ऑप्शन आता था ऊपर, जो ऊपर के साइड में देखने को मिलता था, लेकिन अभी वो नीचे आ चुका है लेफ्ट कॉर्नर में। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, इस पर क्लिक करने के बाद आप कैप्चर कर सकते हो उस जूम्ड फोटो को। तो ये पोजीशन थोड़ा सा चेंज हुआ है। तो ये तो गए गैलरी के अंदर के फीचर। अभी कीबोर्ड के अंदर का फीचर मैं बता दूँ, कीबोर्ड के अंदर आपको क्लिपबोर्ड नाम से एक ऑप्शन मिलता है जो इससे पहले सैमसंग कीबोर्ड के अंदर नहीं था, दूसरे कीबोर्ड में था जैसे गूगल कीबोर्ड के अंदर था, लेकिन सैमसंग कीबोर्ड में नहीं था। अब सैमसंग कीबोर्ड के अंदर ये फीचर आया है जो बहुत ही एडवांस फीचर इसके अंदर देखने को मिलता है, जो गूगल कीबोर्ड के अंदर भी नहीं है। अगर मैं यहाँ पर सैमसंग कीबोर्ड को ओपन करूँ और ऊपर 3 डॉट वाला ऑप्शन पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर क्लिपबोर्ड का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारा टेक्स्ट शो कर रहा है जो मैंने इससे पहले कॉपी किया था, उसके अलावा कुछ फोटो भी है, और ये फोटो बेसिकली स्क्रीन शॉट है जो मैंने इससे पहले क्लिक किया था। यहाँ पर रिसेंट स्क्रीन शॉट आपको शो करेगा, तो यहाँ पर आपका स्क्रीन शॉट भी सेव रहता है और टेक्स्ट भी सेव रहता है, और ये क्लिपबोर्ड वाला ऑप्शन आपको साइड पैनल पर भी देखने को मिल जाएगा। और ये मुझे बताया है रितेश जी ने। सो इसके लिए आपको साइड पैनल को ओपन करना पड़ेगा, देन यहाँ पर आप देख सकते हो क्लिपबोर्ड का ऑप्शन है, और इसी के अंदर जैसे कीबोर्ड के अंदर था टेक्स्ट है, फोटो है, सब कुछ मिलता है आपको। और लेफ्ट साइड पर 3 ऑप्शन है, एक है लॉक का, मतलब आप यहाँ पर लॉक भी कर सकते हो, दूसरा है टेक्स्ट, टेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको सिर्फ टेक्स्ट ही देखने को मिलेगा यहाँ से, और तीसरा है इमेज। और अगर आपके साइड पैनल पर ये ऑप्शन शो नहीं कर रहा तो आप इसको ऐड कर सकते हो, सिंपली आपको जाना है साइड पैनल को ओपन करने के बाद नीचे जो सेटिंग्स वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है,
देन यहाँ पर सभी पैनल आपको शो करेगा और इसके अंदर एक ऑप्शन रहेगा क्लिपबोर्ड का, ये मेरे यहाँ पर ऐड है, अगर ऐड आपका नहीं है तो आप यहाँ पर ऐड कर लेना, उसके बाद आपके साइट पैनल पर ये शो करेगा। अगला जो यहाँ पर अपडेट आया है वो है सैमसंग नोट्स के अंदर। मैं एक बात यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि ये कोई मतलब फीचर नहीं है जो इस पर अपडेट के बाद आया है, मेरे फ़ोन में अपडेट से पहले ही इसका अपडेट आ गया था, सैमसंग नोट्स का सॉफ्टवेयर अपडेट से पहले मैंने इसको अपडेट कर लिया था और ये सब फीचर मुझे अपडेट से पहले ही मिल गया था, तो ये कोई अपडेट के बाद फीचर नहीं आया है। और अगर आप सैमसंग नोट्स को अपडेट नहीं किए हो तो आपको ये सब फीचर देखने को नहीं मिलेगा सैमसंग नोट्स के अंदर, तो सिंपली आपको पहले जाना है आपके गैलेक्सी स्टोर के अंदर, देन आपको अपडेट करना है पहले, उसके बाद अगर आप इसको ओपन करोगे तो कुछ ऐसा आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा कि बहुत ही ज़्यादा चेंज हुआ है इस बार सैमसंग नोट्स के अंदर। इससे पहले यहाँ पर प्रीव्यू नहीं शो करता था जो लेफ्ट साइड पर यहाँ पर शो कर रहा है, उसके अलावा और भी बहुत सारा कुछ चेंज हुआ है, मैं दिखाता हूँ, दो तीन ऑप्शन ही मैं यहाँ पर दिखाऊंगा। जैसे कि सबसे पहला आप PDF यहाँ से ओपन कर सकते हो डायरेक्टली, तो इसके लिए आपको ऊपर PDF का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करने के बाद आप कोई भी एक PDF ओपन कर सकते हो, देन उसके ऊपर आप टेक्स्ट भी लिख सकते हो जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। उसके अलावा आप अगर कुछ ड्रॉ करना चाहते हो, कुछ अंडरलाइन करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, देन आप यहाँ पर सेव भी कर सकते हो, इसके लिए सिंपली ऊपर 3 डॉट वाले ऑप्शन पर जाना है और यहाँ पर सेव एज फाइल का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करने के बाद इसके अंदर फॉर्मेट है PDF या फिर कोई दूसरा फॉर्मेट पर अगर आप सेव करना चाहते हो तो वो भी है, तो यहाँ से आप सेव कर सकते हो। ये तो हो गया पहला फीचर। दूसरा फीचर है लॉक का, मतलब कोई भी नोट्स को आप लॉक कर सकते हो, पर्सनल नोट्स अगर हो आपका कोई भी तो उसको आप लॉक करके रख सकते हो पासवर्ड देकर। इसके लिए सिंपली आपको उस नोट्स पर लॉन्ग टैप करके रखना है और इसके बाद नीचे एक लॉक का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर जब आप पहली बार क्लिक करोगे तो पहली बार के लिए आपको अपना जो सैमसंग अकाउंट है उसको लॉगिन करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन करना पड़ेगा, देन आपका जो फिंगरप्रिंट और जो पैटर्न वाला ऑप्शन आपने ऐड किया होगा जो लॉक स्क्रीन पर वो यहाँ पर शो करेगा, जिसको आपको एनेबल करना है, देन आपका ये मतलब लॉक हो जाएगा। देन अगर आप उसको अनलॉक करना चाहोगे तो उस पर क्लिक करना है, देन जैसे कि मैं यहाँ पर फिंगरप्रिंट से भी अनलॉक कर सकता हूँ, अगर आपका फिंगरप्रिंट ऐड है तो आप कर सकते हो अनलॉक। और भी बहुत सारा चेंज हुआ है सैमसंग नोट्स के अंदर, लेकिन वो मुझे मतलब उतना खास नहीं लगा, इसीलिए मैंने ये दो तीन ऑप्शन ही जो मुझे बहुत ही बढ़िया लगा मैंने आप लोगों को दिखा दिया। और भी कुछ ऑप्शन अगर हो जो इस अपडेट के बाद ऐड हुआ है तो मुझे आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन पर बता सकते हो, मैं आपको प्रॉपर किट देकर अगले कोई वीडियो में बता दूँ। तो इस वीडियो में इतना ही कुछ फीचर था, और आप लोगों को कैसा लगा सारा कुछ फीचर आप मुझे कमेंट सेक्शन पर बताओ। तो वीडियो में कुछ भी अच्छा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबा देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो।